हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हम लोग बढ़िया है, ये है यहाँ। हम लोग राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। मोदी मोदी क्या बात। बात दरअसल ये था कि हमको वहाँ दिल्ली में परेशानी हो रही, तो हम कहे चले जाए यहाँ घूम जाए यहाँ के। नहीं क्या, किस बात के लिए घूम रहे हैं? किस बात के लिए घूम रहे हैं? क्या चीज का प्रचार? पगला गए हैं, पगला गए। हाँ तो हम कहे चलो घूमा जाए, तो वह घूमने लगे। तो घूमते घूमते मिथिलांचल आ गए, तो देखा यहाँ हमसे ज्यादा बड़े वाले हैं। कौन कौन, यहाँ तो सब है ऐसा ही है ना। आई ना भाई हो फेरू, आई ना भाई। आती नहीं, हमारी इच्छा है पहले आती थी। देवो भवा, हम आपको खिलाएंगे। अरे झूठा था, झूठा नहीं थी, झूठा नहीं है भाई। कैसे आप झूठा समझ रहे हैं? सबरी का बैर झूठा था। ओ अच्छा अच्छा, सबरी का बैर झूठा था। छोटा लेना प्रसाद ग्रहण सब नवरात्र है। मिठा भरी पान, कौन भरी, कौन भरी पान? मिठास भरी पान, मिथिला का पान, पान माछ मखान, यही तो यहाँ का है प्रसिद्ध। फिर शाम को माछ खिलाओगे? माछ जनसित मछली का तो अड्डे है, अड्डा है। इसलिए ना एगो पार्टी यहाँ का निकला था, बोला था माछ भात खाएंगे। और क्या, हरी का गुण गाएंगे, माछ भात खाएंगे, हरी का गुण गाएंगे। हरी है हजार हाथ वाला, हरी है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। मखाना है, अरे गजब पाजी। हाँ जी, देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हमारे भैया जी का दरभंगा के धरती पे स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत यह चुनाव विकास वर्सेज कारावास का चुनाव है, जिसमें जनता तय करेगी कि विकास के साथ रहना है या कारावास वाले का या कारावास जाने वालों का साथ रहना है। जनता ने विकास को चुना है। बिहार में महाठगबंधन जो हुआ है उसके अंदर आजकल गठबंधन चल रहा है। जमन बीत गई समैया फेरू आई ना भाई, जमन बीत गई समैया फेरू आई ना भाई। अप्पा जी दही चूड़ा, आप जब दरभंगा में है तो दरभंगा की तरह रहिए। अजी आप उस तरह कैसे रहेंगे कि जैसे नफासत के साथ चाय पी रहे हैं? ना 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 पाजी, अब तो ऐसे हैं तो बड़ा ऐसे ही रहिए। नमस्कार साहब। हाँ गोपाल जी, जी जी, तो चुनाव भी लड़ा जा रहा है जी, और आपके यहाँ जब आए तो दही चूड़ा भी ये चल रहा है। जी जी जी, क्या बात है। क्या तो ये खास है मिथिला की? जी मिथिला की, मिथिला की चूड़ा दही नामी है। यहाँ का भोजन लोग सवेर में भी करते हैं, दोपहर भी करते हैं और रात भी करते हैं। और इससे ई जो है चूड़ा दही पेट में ठंडा रहता है लोगों का पेट। गर्मी में ये और फायदेमंद रहता है, दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग भी ठंडा रहता है। ये क्या बात है, दिमाग बहुत जरूरी ठंडा रहना। जी जी। अच्छा ये बताइए गोपाल जी, जी जी, जब हम देश भर में घूमते हैं जी, तो लोग कहते हैं कि भाई मिथिला का जो आदमी है खाने में जो है उसका कोई जोड़ नहीं है। जी, जितना दे उतना खा जाता। जी जी, ये सही है क्या? निश्चित, मिथिला के लोग है जितना यहाँ का व्यंजन है वो पूरे देश और पूरे विश्व में मिथिला का रहन सहन भोजन ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ये तो जगत जननी सीता की धरती पर आपको सब कुछ मिलने वाला है और मिलेगा। क्या बात है, साहब सीता जी की भूमि है ये। सीता की भूमि है। जी बापा जी, सीताराम सीताराम वाला है मामला यहाँ। जी जी। अच्छा ये जो मैं कह रहा था खाने के मामले में सुनते हैं 100, 150, 200, 250, 300 रसगुल्ला खा जाते हैं, बस सही है गलत है? यहाँ पर 500-500 लोग रसगुल्ला खाते हैं। 500-500 रसगुल्ला, 14 किलो का खस्सी अकेला खाते हैं। खस्सी मतलब बकरा? बकरा जी। कितने किलो का? 14 किलो का एक बकरा एक व्यक्ति खा जाते हैं यहाँ पर। पचा जाता है? जी जी जी। 14 किलो का जी,
मतलब बकरा आदमी पचा जाता है जी। ये तो है, ये तो है, इसलिए कि हालांकि ऐसे कम व्यक्ति हैं जो इस तरह से सरमाइए बाबूजी। अरे हैं, कहिए हैं, और सब खा पीने के बाद रसगुल्ला 100-150 खा जाता है जी जी। कितना खा सकते हैं आप? हम नहीं खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? हम 10 खा सकते हैं। 10 खा लेंगे। देखिए आपके चूड़ा में चीनी भी है, नमक भी है, दोनों चीजें हैं, अचार भी है, है। हरी मिर्च भी है जी जी। तो आप कुछ तीखा हो जाए जी, खाइए बेचा खाइए जी जी। अब तीखा हो जाए तो अखबार हमने खोला, देखे सामने सुबह सुबह यूपीए की चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी जी कह रही है कि जिन्हें देश की विविधता स्वीकार नहीं अस्वीकार है वो देशभक्त नहीं, ये कहा जा रहा है, वो कह रही है। यानी जो विविधता है इस देश की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, वो स्वीकार नहीं। सोनिया जी को क्योंकि इटली इनको याद, हमको लगता है प्रेम है इटली से, ये तो भारत को समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदुस्तान को ही समझ नहीं पा रहे हैं। भारत को कौन समझेगा जिसको समझ है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं भाई। वो यहाँ की आई, बहू बन के आई, इतने बरस हो गए, बेटा हो गए, वही 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 हो गए। जो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटेगा अच्छा, उसके पक्षधारी होंगे। जो भारत में हिंदू मुस्लिम कराने वाला कोई है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, उसके पक्षधारी होंगे। नहीं, वही कह रहे हैं आप ही लोग हैं जो करा रहे हैं। नहीं नहीं, हमको दिखा दे ना कहीं पर ऐसा यदि हुआ है अटल जी के सरकार में या नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में या फिर 16 राज्य में मेरा सरकार है। बेगूसराय में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे 5 साल हिंदू मुसलमान ही कहते रहे। हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास के लाइन पर चल रहे हैं। यदि कोई काम करते हैं तो सबके लिए वो काम होता है। सोनिया जी कह रही हैं कि देशभक्ति की एक नई परिभाषा आप समझा रहे हैं देश। देशभक्ति की परिभाषा सोनिया जी से हिंदुस्तान के लोग नहीं सीखेंगे। कह रही जो देश की आत्मा है ना, वो कह रही हैं सोनिया जी कि देश की जो आत्मा उसको आप कुचल रहे हैं। वही तो विषय हम भी न कह रहे हैं सोनिया तो जी। सही कौन कह रहा है? सोनिया जी हिंदुस्तान को समझ नहीं रही है। राहुल जी कहते हैं हम आलू का मशीन से सोना उपजा देंगे। उनको आलू और अलहुआ यदि हम रख दें, मिथिला में अलहुआ भी होता है, तो आलू अलहुआ रख देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे आलू है कि अलहुआ है। गेहूं शकरकंदी है। और यदि जो और गेहूं रख दें तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं, राहुल जी कुर्ता फाड़ करके गरीबी दिखा रहे हैं। संस्कृति को बचाने के लिए इस पाग पर प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी किए हैं। और प्रधानमंत्री जब मैथिली में जनकपुर में भाषण दिए तो लगा जो मिथिला का असली बेटा तो नरेंद्र भाई मोदी ही है। प्रियंका जी की धर्म जाति की बात करने वाले जो भड़का रहे उनकी बातों में ना है, पार्टियों का अंतर समझे। हमारी पार्टी और बीजेपी का पार्टी का अंतर समझे। सब समझ रहा है। इस बार मुस्लिम हम अभी गए हैं अपने क्षेत्र में, हमको लगता है 30% मुस्लिम रोड पर आ गया है गोपाल जी के लिए। यही हाल हर पूरे देश का चल रहा है। हवा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब सारा का सारा विषय खत्म होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को समस्त देशवासी मान लिया, 56 इंची से 76 इंची का सीना इन्होंने दिखा दिया जी। अच्छा एक चीज और तय हो गई, गिनती बढ़ा सकता है यहाँ का आदमी जी, 70-72 कर दिया, 76 हो गया है तो दूसरा वाला हाथ नहीं लगा कहाँ तक जाएगा। 56 से 72 कर दिए आपको, 76 हो गया जी। फिलहाल बहुत मजा आया है आज आपसे, और ये जो चीनी के साथ नमक अचार और मिर्चा का मजा था फिजा बांध दिया आपने, और बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया। और ये बातचीत का सिलसिला बाजी आगे चलेंगे, वो गली पतली उधर है, आप उधर चलो, मैं भी आता हूँ, बस जूते पहन लूं बाजी, इतना तो टाइम दोगे ना, बस पहना चला। दरभंगा का सांसद कैसा हो? दरभंगा का सांसद कैसा हो?
सरकार, ये लस्सी है, ये शुद्ध दही दूध का दही बनता है, उससे लस्सी तैयार होकर लोगों को ठंडाई पिलाया जाता है। यहाँ जाड़ा गर्मी दोनों में लस्सी के आदि है लोग, लस्सी के बिना चैन से नहीं रहेंगे। 12 बजे रात तक लोग यहाँ आते रहते हैं और लस्सी का आनंद लेते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग लाइफ का राज है इसमें, इसीलिए लोग इस पर टूट मारने का राज है इसमें। लॉन्ग लाइफ, जिंदगी को लंबा ले जाने का रास्ता है इसमें, लस्सी में। जी अच्छा जी, करामाती लस्सी है, करामाती लस्सी है, इसको पीने से लॉन्ग लाइफ, लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। लॉन्ग लाइफ जी। अच्छा, बड़े बड़े पहलवान दूध दही खा के मस्त रहते थे, 100 बरस जीते थे। देखो ये हमारे साथ एक पहलवान आया है, कैमरे के पीछे है, खुशी की बात है। बाजी है हमारे, भी स्वागत करूंगा। बार बार आप कैमरामैन को बताते हैं। अच्छा, कैमरामैन को बता देते हैं, बार बार आप कैमरामैन को बताते हैं। हाँ, आपका भी स्वागत हम करेंगे। अच्छा, अब पीने के बाद आप बोलेंगे गजब लस्सी है भाई पाजी, जिंदगी का राज। अरे मेवा मिस्टर, अरे गजब है, और भी पड़ेगा इसमें बहुत कुछ। अच्छा, और भी पड़ेगा। अच्छा, तो कौन कौन चीज डालोगे इसमें? सोना सिंगार होता है यहाँ है जी सर, देखते जाइए। लस्सी का क्या होता है? सिंगार होता है, सोलह सिंगार होता है, आप देखते जाइए क्या देखते हैं। सोलह सिंगार होगा, पाँच सजाई जाएगी लस्सी। खाली गईनी, खाली रे अईनी, आहो भाई साधो, आहो भाई साधो। वोट का क्या रहेगा? वोट का तो बहुत अच्छा है सर, यहाँ से बिंदास अब्दुल बारी सिद्दीकी निकल रहे हैं। अच्छा, बिंदास, कहीं कोई रोक ठोक नहीं है इनके। हाँ हाँ, ये मिथिला के गौरव है ना, ऐसा नेता पूरे मिथिला में नहीं है। मिथिला का मान और सम्मान अब्दुल बारी सिद्दीकी है। यहाँ का एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही गीत, भारी बहुमत से होगी जीत। तो वो चुनाव दो लोग लड़ गए हैं, उन सब बेकार है, उन सब कहीं भी अफवाह है, कोई हकीकत नहीं है। जमीनी स्तर पर सब ठोक नहीं है। इसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये विकास पुरुष है, ये विकास पुरुष पुरुष सबका पारी पारी इस बार अब्दुल बारी का पारी है। हाँ, यहाँ वो मंत्री रहे, कौन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, विधायक रहे 7 मरतबा, लेकिन यहाँ जो है सो कोई न खेल मैदान हुआ, 3 साल शायद खेल मंत्री भी रह चुके हैं। बेनीपुर में स्टेडियम बना है, विधानसभा काशी में स्टेडियम नहीं है। यहाँ सर बनने ही वाला है रोड, देखिए ये 4 लेन चालू हो गया है, जिस विधानसभा सर 2010 में बना है, कॉलेज भी पास है, जगह ना भी नहीं हो सकता, जहाँ से स्टूडेंट के हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सही में कुछ नहीं किया। हित के लिए करते तो युवा शक्ति एक होकर उनको भी जाए, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है इसमें। कमी है यहाँ, उस शिक्षण संस्थान अब तक नहीं है, इतने बार जीते लेकिन एक उच्च संस्थान 6 बार बने हैं, लेकिन 6 बार में अभी तक देखिए रोड सब पहुँचे हैं। यहाँ जो है, यहाँ बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान बांटने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग जब मन बनाए हुए ब्राह्मणों से, ब्राह्मण में कम से कम 10,000 वोट घनश्यामपुर विधानसभा से मिलने वाला है, अलीनगर विधानसभा से, अब कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोट जीते। मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे, जाति धर्म नहीं, सबसे पहले जरूरी है विकास और मुद्दे। बीजेपी वाला, अरे हमको ना बीजेपी से मतलब है ना जेडीयू, ना बीजेपी वाले से पूछिए ना आप क्वेश्चन, उससे कीजिए बीजेपी वाले से कि ये साल भर में कितना दिया रोजगार क्षेत्रीय विधायक। यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं था, रोड सड़क नहीं था, अब बुझिए थाना हुआ, ब्लॉक हुआ, विकास के मामले में जब से ये हैं विकास एकदम भरपूर हुआ है, फिर आगे भी होगा। ये कोनो नरेंद्र मोदी नहीं है जो झूठा, झूठ बोलने वाले आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है जो झूठ बोल करके लोगों को ठगे। झूठा कहा रोजगार देंगे,
रोजगार के मामले में कहा था वो पकौड़ा बेच। सुनील की मरद के ना नाम लिहल जाला, इनसे बिना नाम लिहले कुछ ना कहला, नाम लेके कहली कि चाय दो जरा सा। पाजी नाम लेके चाय खोल रही है, बारिश हो रही है पाजी, पकौड़े और खा लो बाजी। बस पाजी जमीन, अरे पाजी बस पूछो ना, रपटीली हो गई है यहाँ की जमीन, दरभंगा की बड़ी रपटीली है और अलीपुर में मौजूद है पाजी, अलीनगर में। अय हे जमीन बड़ी रपटीली है यहाँ, ये पाजी चुनाव है तो सब कुछ रपटीला है। ऐसे हैं आप? ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक, एकदम ठीक। बारिश आरिश ज्यादा करा दिया यार, तो होना चाहिए, और जनता को खुशी हो गया। अब खड़ी फसल का क्या होगा? फसल तो मतलब अगर पत्थर नहीं गिरेगा सही होगा, पत्थर नहीं गिरेगा तो सही होगा, पत्थर गिर जाएगा तो खराब होगा, खराब होगा। अब देखो क्या हो, बारिश होगा। अरे चाय बाजी भी निकलवा ली तुमने, गजब है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का इलाका है जी बाजी, कई बार चर्चा ही चर्चा है जनाब। बड़ी पहले तो सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी जनाब, ये बताइए, बड़ी चर्चा है आपके नाम की, बड़ी चर्चा दिल्ली से लेके पटना, पटना से लेके अलीनगर तक, सब जगह चर्चा ही चर्चा। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों की कृपा है। नहीं कह रहे, कृपा ये है कि टिकट कट गया जिनको मांग रहे थे और टिकट आपको मिल गया, तो जो नहीं मिला जिनको उनसे, उनको बहुत परेशानी। नहीं मैं, ऐसा है कि टिकट के लिए उम्मीदवार तो बहुत होते हैं जी, मगर टिकट तो किसी एक ही को मिलता है। वो कहते हैं कि हम अकलियतों के सबसे बड़े नेता, वो बात है उनकी। भाई हम बहुत छोटे आदमी हैं, वो बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं वापिस आप, मतलब ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई ताकत तो वजनदार आदमी है और टिकट उनका कट गया धीरे से, अब टिकट आपको मिल गया, बोले टिकट के मामले में आप लकी हैं। नहीं मेरी सहमति से और उनकी सहमति से मैं उम्मीदवार था दरभंगा से और वो उम्मीदवार थे मधुबनी से जी। पहले मैं मधुबनी लड़ता था जी, एक बार हार गया था 9000 वोट से, एक बार हार गया था 17000 वोट से जी। ये हमारा गृह प्रखंड है, 1991 में मेरा भी टिकट कटा था और टिकट मिला था उनको। अभी थोड़ा स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, मगर पार्टी के निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता रहे, मुझको लगता है कि पार्टी की धारा के साथ वो मजबूती से आगे बढ़े। साथ लगने वाली जो चीज है बाबूजी, मैं आप बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात का? बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं थोड़ा बैठ जाऊं बगल में, इधर बैठ जाऊं तो थोड़ा सा आप थोड़ा सड़क जाइए उधर, तो मैं बैठ जाऊं, यही तो राजनीति है आजकल, सरकाने का ही तो काम है। ऐसा ऐसा है कि धारा के विपरीत जो भी चलते हैं वो उसमें बड़े बड़े धाराशाही हो जाते हैं। तो प्राथमिक साहब का मसला दरअसल ये है कि आरजेडी में बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, भाई भाई में नहीं बन रही, उधर वो उधर कैंडिडेट उतार रहे हैं, आरजेडी में आपके कैंडिडेट उतारा, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये तो गड़बड़ है, नेता मैं बड़ा था, अब बड़ा नेता था तो इस लिहाजा मैं पहले चुनाव लड़ा था, तो हक की बात बताई है उन्होंने। देखिए जो बड़ा होता है उसको जनता बड़ा कहती है, अब खुद हम कहें कि नहीं साहब हम बड़े नेता हैं तो ये तो मजाक ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत छोटा नेता हूं, गरीब हूं और बहुत तरह का साधन संपन्न नहीं हूं, मगर फिर भी आप शालीन बहुत हैं, बहुत शालीन आदमी है। हमारी हमारी पूंजी जो है वो हमारी निष्ठा है, क्या बात, हमारा ईमान है और लगन है। लेकिन ये बताइए, चलिए ये तो बात अभी, लेकिन वहां बीजेपी में भी तो बहुत अच्छा नहीं, एक कीर्ति आजाद साहब थे वो यहाँ से उधर कांग्रेस चले गए, वहां भी चीजें कुछ दरभंगा में बड़ी जबरदस्त इस बार सारी निगाह दरभंगा में लगी हुई है कि क्या होगा, जो बीजेपी वाले थे वो कांग्रेस में चले गए। द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन्माद का ये जगह में मिथिला नहीं रहा, और जो लोग भी द्वेष का, घृणा का, नफरत का और उन्माद की राजनीति करने वाले हैं उनको मिथिला से सीख लेनी चाहिए, और मिथिला वैसे तत्व को वैसे एक ही तीर से दोनों को निपटा दिया आपने, उधर वालों को भी और इधर वालों को भी। मैं सच बोल रहा हूँ, जो यहाँ के मैथिल ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि क्या मैथिल ब्राह्मण है आप? मैथिल ब्राह्मण है आप? हाँ। तो इन्होंने एक तीर से दो ये कहते हैं, वो तो बस सब ठीक है, लेकिन मैथिल यहाँ का मैथिल जो आदमी है वो एक ही तीर से दो तीन तीन आदमी निपटा देता है। जो कहिए, मैं इनको जमाने से जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ दसौत मेरा घर है,
हम नौकरी में थे पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में, इनके यहाँ जब भी गए हम, इन्होंने पूरा कहा जो मेरे भाई हैं, मेरे ग्रामीण हैं, इनका काम होना चाहिए, ये जायज काम है। हम पचासों सौ बार इनके डेरा पर मिले हैं और कभी रहने का। तो आप जाएंगे फातमी साहब को मनाने? जी फातमी साहब को मनाने जाएंगे। बात ऐसा है कि पार्टी के नेता का ज्यादा असर पड़ेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी उनसे कहूंगा कि साहब पार्टी में जो आपने इतने दिनों में पूंजी कमाई है, इस पूंजी को गंवाइए मत। क्या बात है, गंवाइए मत भाजी, गंवाइए में पूरा जोर है, समझ लीजिए। ये मैथिल है, मैथिल भाजी कहते सीधे हैं और अर्थ आपके तमाम निकलेंगे। लेकिन ये तो बात समझ में आ गई, ये आप लोग तो निपटा लेंगे, ये तो बात समझ में आ गई बात हमें, और नहीं समझाएंगे तो बात जनता समझा देगी। लेकिन भाइयों के बीच की जो आरजेडी में युद्ध है, उसको कौन जाएगा, उसको कौन मनाएगा? अब देखिए, जिस चीज से मेरा वास्ता नहीं है, क्या वास्ता? उसमें मैं कैसे टीका टिप्पणी करूं? अच्छा तो नहीं है वैसे ना वो है? अच्छा तो नहीं है ना भाई, भाई भाई में प्रेम होना ज्यादा अच्छा है, और भाई भाई में मन मुटाव हो और घर में मन मुटाव हो तो बाहर और कष्ट होता है। उनका राष्ट्रवाद और उनका राष्ट्रवाद फर्क है क्या कुछ? हाँ, उनका राष्ट्रवाद फर्क है और आपका? हमारा राष्ट्रवाद वो है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे पुरखे हैं, आईन है, जो पुरखे ने हम सबों को विरासत में सौंपी है, अगर उसके विरुद्ध कोई आचरण करता है तो मैं कहूंगा कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो बीजेपी का राष्ट्रवाद कैसे फर्क हुआ? अब जैसे जैसे बता रहे हैं भाजी, बादल करे जरा धीरे से बोलिएगा। जैसे जैसे मैं तो मानता हूं कि भारत में सबसे पहला आतंकवादी तो हुआ नाथूराम गोडसे जी, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से गोडसे मुर्दाबाद का हलवा के दिखा दीजिए हमको। हम वो ये कहते कि आप वंदे मातरम भारत माता की जय की बोल के दिखा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम है? वंदे मातरम। जनता पाजी घुमाओ ना, जनता दिखाओ, इस समय सबसे ज्यादा जनता को दिखाया करो, और तुम नेता की तरफ फंस जाते हो पाजी। वो तो लड़ रहे हैं चुनाव और जनता आए, अरे क्या बात है पाजी। सिद्दीकी साहब बोल रहे थे, धारा प्रवाह बोल रहे थे, वो जनता देख रही हो पाजी। अब उधर देखो आसमान में क्या है, बारिश बंद हुई है, ये जाएंगे प्रचार में और हमें कहां जाना पाजी, हमें तो तुम्हारे साथ। हाँ पाजी, चार घड़ी चारों अलग अलग टाइम बताती है इस घंटे घर से, गजब है पाजी, शहरी गजब है दरभंगा। नमस्ते, क्या होगा इस बार? इस बार मेरे हिसाब से तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवान हूँ, नौजवान के तहत बोलना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से, मैं सोचता भी हूँ कि जो है वो जब भी चुनाव आता है हर पार्टी अपना अपना मुद्दा लेके आता है, ये कुछ हम ये करेंगे, हम कुछ वो करेंगे, हम कुछ ये करेंगे, मगर मैं नौजवान से बोलना चाहता हूँ ये बात कि आपने आप जो चुनाव के जो वोट के लिए मांगने के लिए आते हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है मांगने के लिए आते हैं, मगर आपका काम ये है कि आप उनसे काम करवाइए। आप जितवा रहे हैं तो आपका हक है कि आप उनसे काम करवाइए, आपका वो काम करने नहीं करते हैं तो आप उनके पास जाइए, उनके पास में ये दिक्कत है, ये हमने आपको जितवाया है। इस बार क्या करोगे तुम? इस बार तो मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर मैं जिसको जितवाऊंगा मगर उससे काम भी जरूर लूंगा। जैसे किसको देख रहे हो? जैसे कि मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी जो माहौल बन रहा है कि कौन किसके पल में जाएगा, कौन किसके पास जाएगा, वोट काम करने वाला हो उसी को। आपको लगता है कौन काम करने वाला? अभी तक आपको बताइए क्या काम हुआ है या बता दीजिए तो हम लोग बता देंगे। आप भी रिपोर्टर है, आप भी बता दीजिए तो खुला से। पाजी अगर ज्यादा देर लगा दे आदमी तो समझ लीजिए किधर जा रहा है ना भैया जी। कहीं अगर कोई कहे कि अब देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
तो जरा थोड़ा दे प्रचार तो चल रहा है बाजी। क्या होगा इस बार? इस बार सिद्दीकी जीतेंगे, आरजेडी सिद्दीकी साहब जीतेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है, सिद्दीकी साहब अच्छे इंसान है। गोपाल जी ठाकुर बीजेपी। सिद्दीकी जी आरजेडी। सिद्दीकी जी आरजेडी। गोपाल जी ठाकुर बीजेपी। गोपाल जी ठाकुर। हम बीजेपी को देंगे वोट, आरजेडी बीजेपी। बीजेपी नोटा। नोटा वाला भी है क्या दरभंगा? क्योंकि बिहार का स्थिति ऐसा है कि हर एक राजनेता यहाँ से जीतने के बाद सिर्फ सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नोटा नोटा कोई राजनेता अच्छा नहीं है। बीजेपी। बीजेपी बीजेपी को हम इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है अभी, इसीलिए उनको दोबारा हम लोग दिल्ली में फिर से सरकार बनवाएंगे और अच्छी तरह से जितवाएंगे। बिहार में भी उनको 40 सीट में 30 से 35 सीट आएगी, गारंटी है। बीजेपी भी समर्थक है जो नोटा के दबाने के लिए बहुत तैयार है। आओ चले जी। तमाशा जमा है। अरे है क्या बात है भाजी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ी जबरदस्त जगह है दरभंगा। दरभंगा इस मामले में कि सांस्कृतिक केंद्र भाजी, तो आज हम आपको वो भी सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। क्या गुरु जी? एकदम ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दरभंगा में है हम लोग, दरभंगा में है, सांस्कृतिक राजधानी है बिहार का। अच्छा, बिहार की संस्कृति। आप हंसते बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही दांत है, 32 दांत में 31 दांत टूट गए, सिर्फ एक दांत बाकी है। एक दंत दयावंत और बहुत दंत चांडाल, बहुत दंत वाले चांडाल, एक दंत दयावंत, तुलसीदास गवाह। क्या बात है गजब पाजी। तो सब लोग टोपी पहने थे, हमने कहा अरे गजब है, तो आपको भी पहना देते हैं, सुना देते हैं। क्या बात है? एकदम ठीक, बहुत सुंदर। वाह वाह क्या बात, बहुत सुंदर। ये टोपी नहीं, ये हमारे यहाँ की पाग है, और पाग दोपटा हमारा संस्कृति है, मिथिला का संस्कृति है पाग और दोपटा, जिसे हम सम्मान से अपने अतिथियों को माथे पे डालते हैं। हाँ, पाग है पाजी, वो तो आपको हमने दिलवाया था, दिखवाया था, तो आप कुछ सुनाइए तो कि सब ऐसे ही दिखाएंगे, एक दांत पर दिखाने के लिए हम तो कह देंगे। फिर इलेक्शन आ गया है जी, अभी मौका है, अभी अगर लोग चेत जाए तो मालामाल हो जाए। अच्छा? एक गुरुजी अपने चेला को सिखा रहे हैं है? रे ऐसा ड्रेस से काम अभी नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? चुस्त पजामा, छोटकी दाढ़ी, ठरका सिंदूर माझ कपार, तखन बन में तहू भी आई पी रव बंद सरा बोतल धार। तखन बन में तहू भी आई पी रव बंद सरा बोतल धार। रो माइट भकोस ने गुजर चलतो, माइट भकोस ने गुजर चलतो, आब गेल छो गोल्डन चांस, एखने सौ लुच्चा लंपट के देत रही दारू एडवांस। तो मैथिल में आनंद लिया जा रहा है पाजी, मैथिल में आनंद लिया जा रहा। तो आपके पास भी कुछ है? हाँ, मैं एक मतदाता जागरूकता पर चैती आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम को ना रह बही घर बा हो रामा, मतदानक दिन हम को न रह बरबा हो रामा, मतदानक दिन अधिसूचना के जारी होते, प्रत्याशी सबके नामे सुनीते, मन नहीं मोर अधीन मा हो रामा, मन नहीं मोर अधीन मा हो रामा। क्या बात है, चैत के महीने में चैती सुन लिया बढ़िया जी। असली चैती जो है, आज काहे बोले अधरतिया हो रामा, उसी पर ये आधारित है। बहुत पुरानी चैती है, बहुत पुरानी चैती है। डॉक्टर साहब मजा आ गया सुन के, बहुत आनंद आया भाई, क्या बात है। मतदान जागरूकता अभी हो रही है तो इस पर
हमारे गांव घर की बहुएं अकेले वोट करने नहीं जाती है, कम से कम उसको 2-3 साथी चाहिए। अच्छा। तो गांव में जो बहुएं अपने साथी को साथ साथ चलने को कह रही है, उस पर एक छोटी सी कविता मैथिली में पूछती है वो। भाभी जो है ननद के साथ जा रही है, ननद सास ससुर जो भी है उनके जेठानी देवरानी सभी के साथ 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 हो रही है, उसके लिए पूछती है भाभी, कौन बूथ पर जेबै यो बउआ, कौन बूथ पर जेबै यो बउआ, कने कहू करबै मतदान, देरी हेते भीड़ बढ़तै तो ससुर भैंसुरक हेते जुटान, कनिया का की इहो चलत ने, कनिया का की इहो चलत ने, बाजै छथिन किया नहीं जाब, कनिया काकी इहो चलुथ ने, बाजै छथिन किया नहीं जाब, भानस भात हेबे करते पहिने मशीन सँ वोट खसायब, भानस भात हेबे करते पहिने मशीन सँ वोट खसायब, एहि बेर फोटो सेहो देखेतै, एहि बेर फोटो सेहो देखेतै वोट पड़ल ने ठीक निशान, आ देरी हेतै भीड़ बढ़तै तो ससुर भैंसुरक हेतै जुटान। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो तुम्हारे पास भी आने कोई कविता है? हैं? मैं सिर्फ 2 लाइन सुना दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास घटल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्या बात मैंने है? मैंने क्या बात है, रश्मिरथी की ये लाइन है दिनकर जी की। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा। बारिश हो रही है बाजी, चाय का आनंद भी लिया और यहाँ पर हम लोगों ने दरभंगा में बैठ के भैया जी, गजब भाई, गजब पाजी, जमा लो कुल। अरे गजब भाई, कौन गांव हो गया ये? असगांव हो गया, असगांव, असगांव पाजी, असगांव में आ गए। गांव तो बड़ा जबरदस्त है जनाब। हाँ, बहुत जबरदस्त है गांव। कितनी आबादी गांव की? 400 घर की आबादी है। 400 घर? हाँ। तो 400 घर मतलब कितना हो गया, कितने लोग हो गए? 25 से 2000 लोग हो गए। बड़ा गांव है इसके मतलब। 1400 वोटर है। 1400 वोटर है, तब तो पाजी बड़ा गांव है ये।